से लो खाओ, थोड़ा सा ही मास्क खोलना, मुंह खोलना, बंद करो, करो ना बाहर निकल जाएगा। हरीश बस 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 मैं नहीं खाऊंगी हरीश, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू। राखी जी सबसे पहले तो वर्कआउट, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, सुबह देखा गुस्से में थे वो। हाँ सब लोग मास्क पहनना प्लीज, सब मास्क लगाए। हाँ बोलिए। ओके राखी जी सबसे पहले तो वर्कआउट हो गया है, काफी लंबा वर्कआउट था, किस चीज की तैयारी चल रही है? अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मतलब कुछ अलग, अरे तैयारी तो बहुत सारी चल रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन ये कोरोना ने ना जीना हराम कर दिया है। ये कोरोना कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला घोड़ दूँ। अभी मुश्किल से हमने बिग बॉस से बाहर निकले, अभी करियर शुरू हुआ है, इतना काम है, इतना जिम अभी शुरू हुआ है, मुझे रोना आ रहा है कि अब कल से जिम नहीं जा सकते, जिम बंद हो रहा है, कितने सेलिब्रिटीज़ है यहाँ पे, उनको कोरोना हो गया, आई एम फीलिंग सो सैड, कल से फिर से घर में बैठो। मैं सबको यहाँ पे पकड़ पकड़ के बोलती हूँ मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइज़र में हाथ धोने के लिए, और जिम में भी मैं लिटरली बहुत स्ट्रिक्ट, मास्क पहन कर ही मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत प्रिकॉशन ले रही हूँ, मैं जिम कर रही हूँ, अगर बाहर जिम नहीं तो घर में योगा कर रही हूँ, और प्रॉपर खाना खा रही हूँ, सिर्फ आलू के पराठे नहीं दबा रही हूँ और चावल नहीं दबा रही हूँ, मैं सलाद खा रही हूँ। अपना ख्याल खुद को ही रखना है, इन्हों नॉनवेज इतनी गर्मी में नॉनवेज थोड़ा कम करना है, ज़्यादा पानी पीना है ढेर सारा, खुद का ख्याल खुद को ही रखना है, पड़ोसी अपना ख्याल रखने नहीं आएगा। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोरोना होता है तो आपको डरना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है या फिर अपने आप को आइसोलेट करके घर में बैठना है। बहुत सारे लोग मस्त लगा, तेरा चाचा है कोरोना, मामा काका है, पड़ोसी है जो तुझे नहीं होगा, तो आप कौन है भाई, हो गया ना, ठीक है। तो मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ हाथ जोड़ के कि दोस्तों कोरोना को भगाना है, हमारे देश से कोरोना कब भागेगा? तो जो लोग भी झूठे सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि कोरोना के झूठे सर्टिफिकेट ना बनाए, लोगों को ना बचाए। बहुत सारे लोग जो है कोरोना के झूठे सर्टिफिकेट लेकर ट्रैवल भी कर रहे हैं, डॉक्टर से ले रहे हैं, कौन से डॉक्टर ऐसे हमारे देश में गद्दार पैदा हुए हैं, सॉरी मुझे माफ़ करना मैं ये बोल रही हूँ, बट मैंने बहुत सारे लोगों को झूठे सर्टिफिकेट जो है वो वायरल होते हुए देखे हैं। मुझे भी दो चार लोगों का फ़ोन आया था, बट मैंने कहा नहीं मैं अपना कोरोना टेस्ट कराऊँगी। मैंने बार बार अभी तक कम से कम मैं 10-12 बार कोरोना टेस्ट करा चुकी हूँ, और ईश्वर परमेश्वर की दया से मुझे कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अपना ख्याल रखती हूँ। अभी हाल ही में विकी कौशल और बाकी लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं अभी। विकी कौशल के लिए तो अक्षय कुमार जी सबके लिए मैं बहुत सैड हूँ, इतना जिम करते हैं वो लोग, तो इतना जिम करते हैं, जिम पार्टनर भी है। मेरे जिम पार्टनर भी है, हाँ, तो मैं तो गोवा में थी ना, तो 7-8 दिन नहीं आई, इसलिए मैं बच गई हूँ, क्या बोलूँ। और बस मैं तो सच कहती हूँ ऊपर वाले से, अपने पापों की क्षमा मांगिए, क्योंकि मैं सच कहती हूँ ये जो बीमारी है ना, सब लोग कहते हैं बुहान बुहान से आई है, आई होगी,
ऊपर वाला नहीं चाहेगा जब तक एक आपका पलकों का बाल भी हिल नहीं सकता, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को अपने पापों के, हर इंसान पाप करता है, इवन मैंने भी किया होगा, तो हर अपने पापों की क्षमा मांगनी है। परमेश्वर बहुत दयालु है, वो क्षमा कर देंगे। दादी जी, इसी के साथ में जैस्मिन का गाना आया है, वो सुना आपने? कौन सा? अभी वो कुछ पानी, क्या कौन सा गाना? पानी का गाल। पानी, या कौन सा वाला? पानी का गाल। पानी का गाल, कौन सा गाल? पानी का गाल। पानी वाला, पानी का गाल। जैस्मिन का आया है क्या? वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन जैस्मिन। हाँ, ये लोग बहुत अच्छा, अली, जैस्मिन, राहुल वैद्य बहुत गाने कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैं सबके लिए, सब अपने दोस्त हैं, सब बहुत आगे बढ़े और इनके सब गाने सबके हिट भी हो जाए। और अपना छोटू तो है ही मास्टर, ये तो हीरो बन गया है। वो तो हीरो है अपना, एक दिन मैं इसके साथ लॉन्च हो जाऊंगी। दोस्तों एक बात सुनो, थोड़ा सा पीछे तो हटो, ये बुम, थोड़ा सा पीछे हटो, सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा प्लीज आप रखिए। देखिए आप बताइए, मैंने कितने गाने किए, आपको लगता है मुझे गानों की जरूरत है? नहीं, मुझे इतने गाने नहीं। अगर कोई अच्छा बड़े गाने होगा तो करेंगे, मुझे इतने ऑफर भी हो रहे, बट मैं वो नए नए गाने मैं नहीं करना चाह रही हूँ। आज तक बचता है, मैंने इतने सारे गाने किए हुए, मुझे मैं नहीं करना चाह रही हूँ। हाँ, कोई धासु गाना आएगा तो डेफिनेटली करेंगे, यू नो, मिका है, फिर दलजीत है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिंगर हैं, बादशाह हैं, बड़े बड़े सिंगरों के साथ करेंगे। और डेफिनेटली मैं ऐसे कोई गाने नहीं करना चाहती हूँ जो आए और चले भी गए, यू नो, सिलेक्टेड सिंगरों के साथ करना चाह रही हूँ। और नो, ऐसा कुछ नहीं है कि नए लोगों की भी आवाज़ आ रही है, अच्छी अच्छी आवाज़ है नए सिंगरों की। बट तुम क्या ले रहे हो भाई, आप लेके कहाँ डालोगे मेरा वीडियो? अच्छा, फ़ोटो निकाल रहे हो, अच्छा ठीक है। तो अभी मैं जाऊँ क्या? राखी और जूली के फैंस उनको कहाँ देख पाएंगे, ये तो बता दीजिए जाते जाते। मैं तो बहुत सैड हूँ, मैं तो कल से मेरा जिम बंद हो रहा है, महाराष्ट्र बंद हो रहा है, मुझे तो किस चूहे की, किस डॉगी की और किस गधे की नज़र मेरे महाराष्ट्र को लग गई है कि ये महाराष्ट्र से, मुंबई से कोरोना ही नहीं जा रहा है। मैं इतना दिल रो रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो कोरोना भाग जाए, क्योंकि हमारा शूटिंग है, लोगों को शूटिंग पे हो रहा है, हम क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कोरोना कब भागेगा। सबसे ज़्यादा अभी बिजनेस सिर्फ ये मास्क का ही हो रहा है, और मैं जहाँ अगर रिक्शा में भी बैठती हूँ तो सबको कहती हूँ कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, पूरा दिन आई डोंट नो क्या होगा। लास्टली मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी का कीमोथेरेपी ख़त्म हो गया, मम्मी की बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। आप बताओ क्या करेंगे, हॉस्पिटल में कैसे जाऊँगी मैं, हॉस्पिटल में कैसे जाऊँगी, मम्मी की सर्जरी कैसे करूँगी, और मैं बहुत टेंशन में हूँ कि हमको अच्छे डॉक्टर्स मिल जाए जो कम से कम खर्च में हो जाए। और बहुत डर हो रहा है, डर लग रहा है मम्मी को बाहर निकालते हुए घर से। अभी मम्मी की बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है अगले महीने। थैंक यू। भाई आपका तो हाथ ही कांप रहा है भाई, आपको देख के कांप रहा है भाई, बना हुआ है क्या? अरे बहुत बहुत, अभी हाथ पूरा कांप रहा है भाई आपका, आपको देख के काट रहा है। अरे ऐसे क्या भूत बोल रहा है, आप जवान नहीं भी सर गए भाई, बटन तो दबा रहा, आपका अंगूठा कांप रहा है। देखो ना भाई, आपको देख के देखो, पूरा शरीर कांप रहा है। कुछ ना कांप देते हो गया, हो गया डॉक्टर बाहर कम निकला करो, उधर आप कल से छोड़ो, तेरा नंबर दे, तेरे पास है मेरा नंबर।